Hello students, I am Swati Minch, Faculty of Management and Commerce, Duranda College, Ranchi, and I was dealing with manpower planning and HRD in my last class. Today with the continuation of manpower planning itself, we'll continue further and we were talking and discussing about the factors which are affecting the manpower planning and HRD in any of the organization. So I hope you still remember that we were discussing this point rate, that is, what are the factors which are responsible for manpower planning, which means the process of forecasting, controlling, directing, and which ensures that right number of people at right time at right place are there in your organization or company. So we have clearly stated few future manpower requirements ki ye sab company mein hona kitna important hai. You have to take care of all the direct and indirect labor cost. You have to take care of administrative cost also. That means aap ek tarike se ki apne organization mein jo bhi employees aapke under mein kaam karte hain unke bare mein sochna, unke liye karna, ye bahut important hai. Unke overtime agar un log karte karate hain aap apni company ki or se, aap unko proper wages provide kariye. और यहाँ वेजेस में हम देख सकते हैं कि देर इज टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम. टाइम रेट, अगर टाइम अलॉटेड है कि कितने से कितने बजे तक काम कराना है तो उस हिसाब से आप उनको पेमेंट दीजिए. अदरवाइज पीस रेट सिस्टम का मतलब है यूनिट प्रोडक्टिविटी, जिस हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी हो रही है उस हिसाब से आप उनको पेमेंट करिएगा, उनका वेजेस दीजिएगा. एंड वर्कर्स रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग पीक एंड स्लगिश पीरियड, मतलब अगर वो टायर्ड हैं तो उनको किस तरीके से रिफ़्रेश कराना है, कुछ रिफ़्रेशमेंट्स बेवरेजेस अगर कंपनी की ओर से मिल जाए तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू मोटिवेट देमसेल्फ, टू एनर्जाइज देमसेल्फ एंड कम बैक टू देयर वर्क प्लेस एंड वर्क प्रॉपरली. गोइंग फर्दर, दीज आर दी फैक्टर्स दैट हेल्प्स. वो था फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो किस तरीके से आपको डील करना है. यहाँ पर बेसिकली कंपनी में किस हिसाब से आपको अपने मैन पावर के लिए प्लान करना है. सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट मिक्स. अगर प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बात करें तो बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स इज द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी. सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट कंज्यूम या फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं. प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए और मैन पावर का जो कैपेबिलिटी है, जो स्किल है, उनकी जो टैलेंट है, यही उभर कर सामने आएगी तो आपका वो डिपेंड करेगा आपका सेल्स फोरकास्ट पे कि वो कैसे उसको फुलफिल कर पा रहा है, उसको उसके डिमांड को मीट कर पा रहा है. बिकॉज यू नो योर एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ द एंटायर स्टाफ एंड दे विल परफॉर्म देयर टास्क इन अ बेटर वे. अगर वो अपना काम सही तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हैं तो यू कैन से दे विल रीच द टारगेट एंड दे विल मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द कंपनी एंड अल्टीमेटली दे विल रीच द टारगेट और सेल्स डिमांड और एनीथिंग यू कैन से रिलेटेड विद प्रोडक्ट. देन कम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज, मतलब जो भी इम्प्लॉयज़ हैं, यू नो यू हैव हायर्ड राइट पीपल, राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट प्लेस. सो उनका काम है सही तरीके से जितने भी मटेरियल और रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, बेसिकली मनी, मटेरियल, मशीन, दीज आर यूज इन ऑर्डर टू गिव द प्रॉपर प्रोडक्शन. सो इन दैट केस यू कैन से इफ द राइट पीपल आर देयर दे विल यूटिलाइज द रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम लेवल एंड देर विल नॉट बी एनी वेस्टेज. देन कम्स परफॉर्मेंस मिक्स, how it is related with manpower planning. Depends upon working condition, bonus scheme, suitable incentive plan, training program, motivation, etc. Obviously yes, agar koi employee kisi company mein kaam karne ke liye ja raha hai and aap dekhoge ki agar for example hum baat kare Arvind Mills, that is a cloth manufacturing, it manufactures shirts. और अगर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एन नंबर्स ऑफ स्विंग मशीन रहती है उस कंपनी में और वहाँ पे अगर लाइटनिंग फैसिलिटी नहीं है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है,
तो आप कह सकते हो कि वो वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे जितने भी इम्प्लॉयज़ है वो काम करने में दे विल बी हैप्पी इनफ टू वर्क इन दैट प्लेस? नो. सो इम्पॉर्टेंट दैट देयर वर्किंग कंडीशन शुड बी प्रॉपरली बी प्रोवाइडेड टू देम. लाइटनिंग फैसिलिटी, सैनिटेशन, एयरी स्पेस, दिस ऑल थिंग्स आर एसेंशियल. सो यू कैन नॉट गिव देम वेरी कंजेस्टिंग प्लेस और यू कैन से डार्क रूम इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट वॉट एवर दे आर मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल फॉर मशरूम ऑब्वियसली यू नीड डार्क रूम, बट फॉर द अदर थिंग्स वॉट एवर द लाइट्स आर रिक्वायर्ड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर वर्क कंडीशन. आप एक ही जगह पे जो कि काफ़ी कम है उस पर आप 20 लोगों को नहीं फिट कर सकते हैं. यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज कम्फर्टेबल एट दैट प्लेस. देन कम बोनस स्कीम. अगर कोई फेस्टिवल है, अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप उनको बोनस दीजिए. ऑब्वियसली दे आर कमिंग देयर फॉर द प्रॉपर पैकेज, फॉर द प्रॉपर वेज एज वेल एज प्रॉपर इंसेंटिव्स, बोनस. सो इफ एनी फेस्टिवल कम्स यू गिव देम बोनस स्कीम्स, दे विल बी हैप्पी इनफ टू बी इंटैक्ट विथ योर ऑर्गेनाइजेशन. देन कम्स सूटेबल इंसेंटिव प्लान. सूटेबल इंसेंटिव प्लान लाइक मेनी कंपनीज गिव टैरिफ इन देयर मोबाइल फोन सो दैट दे कैन हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद देयर कस्टमर्स. और बहुत सारे हैं लाइक यू गेट न्यूज़ पेपर्स अलाउंसेज एंड अदर थिंग्स, पेट्रोल अलाउंसेज देन अदर थिंग्स. सो दीज आर द इंसेंटिव प्लान्स विच आर अकॉर्डिंग टू द कंपनी डिफर्स एंड इट इज़ गिवन इन ऑर्डर टू टेम्प्ट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयज टू गेट इंटैक्ट विद द कंपनी इट्सेल्फ. ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड मोटिवेशन. ट्रेनिंग प्रोग्राम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप जो काम कर रहे हैं अगर आपको उसके बारे में पूरा आइडिया है जो आपको कंपनी की ओर से मिल रहा है, सो इट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल टू वर्क इन इट. सो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी इजी एंड यू गेट टोटली इन डेप्थ, यू गेट इन टू दैट पर्टिकुलर कंपनी इट्सेल्फ और आप उसको अपना समझ के वहाँ पे अपना 100% दे रहे हो. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन को के एम्प्लॉयज़ को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जिस हिसाब से वो हर एक वर्क को समझ सके और उसमें एनरोल हो सके. एंड मोटिवेशन, इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी वेरी मच मोटिवेटेड एंड दिस ऑल मोटिवेशन फैक्टर्स वी हैव अ थरो ब्रांच और यू कैन से थरो डिपार्टमेंट हु गिव अप दिस मोटिवेशनल बेनिफिट्स टू दी एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू मेक देम वर्क प्रॉपरली. देन कम्स मोटिवेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू परफॉर्मेंस रेट एंड इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू लेबर कैपेसिटी. मोटिवेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनल परफॉर्मेंस रेट. जितना आप किसी को मोटिवेट करोगे उसका परफॉर्मेंस रेट उतना ही इंक्रीज होगा. अगर आप इंक्रीज करते हैं तो परफॉर्मेंस रेट भी इंक्रीज होगा. ऑब्वियसली येस, किसी फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को अगर हम पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस अगली बार ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है. हम उसको बहुत तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, उसको ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको लैपटॉप दे सकते हैं और उसको जो भी चाहिए वो दे सकते हैं जिस हिसाब से वो पढ़ने में ज़्यादा मन लगाए, फोकस करे. तो हम उसको अब मोटिवेट करने का मतलब है कि उसको ये भी एडवांटेजेस दिला सकते हैं कि फर्स्ट रैंक होल्डर्स का क्या इंपॉर्टेंस है और बाकी का क्या नहीं है. अबव 80% मार्क्स अगर आप लाओगे तो आपको कितना ज़्यादा एडवांटेज होगा. अगर ये सब का इम्पोर्टेंस अगर स्टूडेंट्स अपने माइंड में फिट कर ले, ही गेट्स मोटिवेटेड विद ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स. ऑब्वियसली उसका नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट में आप परफॉर्मेंस में ग्रोथ देखेंगे. देन कम्स मोटिवेशन इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू लेबर कैपेसिटी. यदि आप मोटिवेशन इंक्रीज करते हैं, लेबर कैपेसिटी उतना नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज करेगा. अगर वो है ही नहीं तो वो कहाँ से इंक्रीज करेगा, बिकॉज देयर दैट कैपेसिटी कैपेबिलिटी कहाँ से आया वो हमारा फर्स्ट स्लाइड का डेफिनेशन में वी हैव ऑलरेडी सीन. राइट पीपल एट राइट टाइम एट राइट प्लेस. ये राइट वर्ड इट्सेल्फ गिव यू दी फीलिंग ऑफ सेलेक्टिंग राइट टाइप ऑफ पीपल सो दैट देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कैन बी सीन. देन आर लॉस्ट. ए प्रोडक्टिव मैन आर्स लॉस्ट आर लेस, their available productive hours will be more and less manpower will be needed. Productive man hours are less, their available productive hours will be more. You know, aapke jo employees hain
वो कम समय में भी बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी है। तो अगर वो कम समय में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, सो इट इज़ वेल एंड गुड, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इन दैट केस यू नो, जहाँ पे 10 लोगों का काम 8 लोग अच्छे से संभाल सकते हैं क्योंकि उनमें काबिलियत है, तो यहाँ पे आपको 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपको मैन पावर भी कम लगेगा एज वेल एज़ आपका काम भी हो जाएगा। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच इफेक्ट मैन पावर प्लानिंग। नाउ अब हम जो भी पढ़े उसको एक समराइज्ड एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मैन पावर प्लानिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम एग्जाम्पल में मैकडोनल्ड्स का लेंगे, ठीक है। मैकडोनल्ड्स की जगह पे, क्योंकि रांची में मैकडी नहीं है, यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ KFC ऑल्सो। सो हियर यू कैन सी आउटसोर्सिंग द रिक्रूटमेंट एजेंसी। आउटसोर्सिंग मतलब उस लोकेलिटी के लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसी को हम हायर करेंगे, बिकॉज हियर यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल। KFC में आप जाओगे, वहाँ जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, आप देखना कि वो बाहर नहीं हो, कि वो लोकल्स हैं, बिकॉज दे इट गिव एडवांटेज फॉर द लोकल्स टू गेट एनरोल। दोज आर हैविंग दैट टेंडेंसी टू वर्क एंड आई हैव दोज कैपेसिटी टू वर्क एज वेल एज दे हैव द टैलेंट टू बी फिट इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन। देन कम ईच पोजिशन हैज़ अ जॉब डिस्क्रिप्शन आउटलाइन। वहाँ पर जितने भी रिक्वायरमेंट होगी वो एक पर्टिकुलर जॉब रोल के साथ, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ एनरोल रहेगी, सो दैट यू हैव टू स्टिक विद दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन एंड यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क। करियर फेज, बहुत बार यू कैन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सम करियर फेज, जहाँ पर जितने भी लोग हैं, बिकॉज मैकडी में काम करने के लिए इन द ग्राउंड स्टाफ यू डोंट रिक्वायर सम स्पेशलाइज डिग्रीज, ओके। नॉर्मल ग्रेजुएशन और 12th इज इनफ। सो इन दैट केस यू कैन अरेंज अ करियर फेयर वे एन नंबर्स ऑफ पीपल, दोज हु थिंक दे आर केपेबल फॉर बींग एनरोल्ड, दे कैन कम एंड दे कैन गिव देयर वॉट एवर द स्क्रीनिंग और द शॉर्टिंग इज बींग डन, इन दैट दे कैन बी एनरोल्ड। देन कम्स लोकल्स आर प्रेफर्ड मोर एंड देन you have the online applications for applicants to manage the labor supply for its outlet, or aap dusra resources ye kar sakte hain ki aap application enroll kar sakte hain। so yahan pe aap dekh sakte ho ki manpower planning ko process karne ke liye kitne systematic tarike se ye proceed ho raha hai, theek hai। another example we'll see basically for white collar people, Infosys। Infosys ka hum example isliye liye because here things are something different from मैकडी or KFC or the any food franchisee we are talking about, because here in Infosys you need specialized degree or specialized knowledge to be eligible to fit enough to get to enroll or apply itself। पहला क्राइटेरिया ही अगर हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें, पहला क्राइटेरिया ही हमारा रहता है इफ़ इट इज़ फॉर सम कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड अदर थिंग, दैट यू हैव टू हैव दैट कंप्यूटर बैकग्राउंड। सो इन दैट केस मैन पावर प्लानिंग ऑफ इन्फोसिस सेज स्ट्रैटेजी प्लानिंग इज एसेंशियल। इनिशियल स्टेज आपको पूरा स्ट्रैटेजिक वे में प्लानिंग करना होगा, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा उस जॉब रोल का जिसके लिए आपको स्क्रीनिंग करनी है, शॉर्टिंग करनी है और लोगों को हायर करना है। सो इस केस में आप थरोली प्लान कर लीजिएगा कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो वो क्या चाहिए एंड जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसके बारे में प्लानिंग हमारा स्ट्रैटेजी प्लानिंग में करना है। सेकेंड है एम्प्लॉई सर्च। नाउ आइदर थ्रू वेब पोर्टल और थ्रू एडवर्टीजमेंट और थ्रू वेबसाइट यू कैन डू अ प्रॉपर एम्प्लॉई सर्च। Then screening through interviews, either interviews or you can say test or aptitude test, these all things can be conducted. Then evaluate about a person, evaluation about a person, personal interviews and other things and the results, everybody, every stages is having a particular set of marks and it is done the total totaling and then a person is evaluated whether he or she is fit for the job or not. So you can see how here proper screening and shorting of people kaise kiya gaya, he kaise chune, aap unka eligibility dekhe, aap step by step aage badhe aur tab jaake aap
अपने कंपनी के लिए सही लोगों का चुनाव कर सके। नाउ हमारा मैन पावर ओवर, नाउ विल मूव टूवर्ड्स टर्न ओवर। द टर्म टर्न ओवर, एम्प्लॉय टर्न ओवर, टर्न ओवर वॉट डज इट मीन? बेसिकली एम्प्लॉय टर्न ओवर इज द मूवमेंट ऑफ मेंबर्स अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को छोड़ दे तो उसे हम टर्नओवर कहते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ मेनी पीपल आर लिविंग ईच ईयर टर्नओवर इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टाफ लिविंग पर ईयर इनटू 100 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ स्टाफ। इस तरीके से एक साल में कितने एम्प्लॉयज़ ने मेरी कंपनी को छोड़ा, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टर्नओवर। सो इन दिस डायग्राम इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट व्हाट आर द टाइप्स। एक मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने दिखाया हुआ है कि बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है टर्नओवर के। आप देख सकते हैं इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म्स में बनाया है, एक्स एंड वाई एक्सिस, इन विच दे आर क्लियरली सेट दैट desirable employee quits, desirable employee remains with the organization, undesirable employee remains with organization and undesirable employee quits. इसके साथ ही साथ you can see their performance also. इस axis में हमने देखा है employee contribution और इस axis में employee choices. आप बहुत बार सुनेंगे कि intention to leave the organization is voluntary. अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार कंपनी को छोड़ देना, इंटेंशन टू लीव वॉलेंट्री। और ये कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे डिजायरेबल एम्प्लॉई हैं जो क्विट कर रहे हैं, मतलब दीज आर दी वन हु इज शोइंग हाई परफॉर्मेंस एज वेल एज दे आर नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो दे आर सो दिस टाइप ऑफ turnover is known as dysfunctional turnover. Second part is their performance is high and they have no intention to leave the organization. Desirable employee remains with the organization and this is functional retention. मतलब वो आपके organization के साथ बने हुए हैं और उनको छोड़ने का अभी कोई mood नहीं है, कोई chances नहीं और उनका performance भी high है, ठीक है। दूसरा kind है, पहला दूसरा तीसरा काइंड है, उनका परफॉर्मेंस लो है, ठीक है, एंड दे हैव नो इंटेंशन टू लीव बट दे आर अनडिजायरेबल एम्प्लॉई रिमेन्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डिसफंक्शनल रिटेंशन। ऐसे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने हुए हैं जो अनडिजायरेबल हैं, जिनका परफॉर्मेंस, जिनका कैपेबिलिटी उस लायक नहीं है कि वो अपने परफॉर्मेंस को उतना दिखा सके and that is fruitful enough in order to come up and produce any product or make use of their capabilities because they are not desirable, they are not right people and here and their performance is also low. Then fourth type is functional turnover, that is undesirable employees quit and that too intention to leave voluntary. Apni marzi se undesirable employee आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे रहे हैं एंड वो फंक्शनल टर्नओवर है। यहाँ पे आपका फ़ायदा है बिकॉज उनका परफॉर्मेंस भी लो है, वो अनडिज़ायरेबल भी है एंड उसके छोड़ने पे जो प्रॉपर वेकेंट सीट हो उस पर आप डिज़ायरेबल लोगों को हायर कर सकते हैं। सो इस केस में यू कैन सी यू आर नॉट हैविंग एनी बेनिफिट्स। इन दैट केस यू हैव टू वर्क, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो डिजायरेबल एम्प्लॉयज़ होते हैं एंड दे शुड नॉट हैव द इंटेंशन टू क्विट। दैट मीन्स यहाँ पे एंड अगर यहाँ पे इन दोनों पे आप कह सकते हो कंपनी को लॉस है, इन दोनों पे आप कह सकते हो कि कंपनी को बेनिफिट है बिकॉज यहाँ पे डिजायरेबल लोग हैं जो अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ रहे हैं और यहाँ पे अनडिजायरेबल लोग हैं जिनको कंपनी चाहिए नहीं, वो कंपनी के साथ इंटैक्ट है और उनका परफॉर्मेंस भी लो है। तो ऐसे लोगों को रख के आप अपनी कंपनी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टर्नओवर,
लैक ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन. किसी भी करियर फेज, किसी भी इम्प्लॉयज़ का करियर फेज में इंट्रोडक्शन फेज है, देन यू कैन से इंक्लिनेशन कम्स, देन कम्स दे आर इन इंट्रोडक्शन एंड इंक्लिनेशन फेज. ऑटोमेटिकली दे वॉन्ट टू हैव दिस ग्रोथ एंड इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल वो उस कंपनी के साथ इंटैक्ट नहीं रहेंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज सेड कि कंपनी को हमेशा कोई ना कोई लर्निंग्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस ऑल शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट ये उनके लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है. बिकॉज इफ कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग सर्टन लर्निंग्स, ऑटोमेटिकली इट विल एनहांस द एम्प्लॉयज़ ग्रोथ. बिकॉज अगर फ्यूचर में वो एम्प्लॉयज़ किसी और कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, उनका रेज्यूमे बहुत ज़्यादा एनहांस्ड होगा बिकॉज ही हैज़ द एक्सपीरियंस टू मैनी फील्ड्स. सो ऑब्वियसली ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन इज द रिजल्ट और यू कैन से कॉज ऑफ टर्न ओवर. देन बींग ओवरवर्कड, यू कैन नॉट जस्ट कीप योर एम्प्लॉयज़ गिव बर्डन्स ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द टास्क. ओवरलोडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ वाई वी सेड कि जितने लोगों से आपको काम कराना है, आप नहीं कह सकते हो कि पाँच लोगों की जगह पर आप सिर्फ दो लोगों के साथ काम करा लेंगे, बिकॉज यहाँ पर ओवरलोड का इशू है. एंड वेन देर इज़ नो प्रॉपर सिनारियो ऑफ ओवर, देर इज़ अ प्रॉपर सिनारियो ऑफ ओवर वर्क, द एम्प्लॉयज़ गेट एग्जॉस्टेड एंड दे आर नॉट मोटिवेटेड इनाफ टू कम्प्लीट द टास्क. देन कम्स लैक ऑफ फीडबैक एंड रिकॉग्निशन. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप किसी कंपनी में जुड़े हुए हैं एंड आपके मैनेजर आपको कोई फीडबैक नहीं देता है आपके काम के बिहाफ में, या आपके काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस एज वेल एज वेरी डिसहार्टनिंग दैट योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट. सो इन दैट केस ऑल्सो गिव्स बर्थ टू टर्न ओवर. देन लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर डिसीजन मेकिंग. अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड आपको कोई डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं लिया जाता है, डायरेक्टली आपको सिर्फ गाइडेंस दिया जाता है कि ये करना है, अगर आपको उस डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाएगा, यू कैन से योर वर्थ विल इंक्रीज एंड यू विल बी मच मोर मोटिवेटेड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो कभी कभी लिटिल अपॉर्चुनिटी टू एवरी एम्प्लॉय शुड बी गिवन सो दैट दे कैन कम अप विद देयर आइडियाज़ एंड दे कैन गिव देयर आउटकम, दे कैन गिव देयर डिसीजंस एट वेज एज दे कैन गाइड समथिंग बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, लिटिल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट. आपको अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से डील करेंगे और आप उसको अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट इंटैक्ट विथ योर एम्प्लॉयज़, और आप वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज कर सकता है एंड वहाँ पे वो अपना 100% दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन को. देन कम्स पुअर एम्प्लॉय सेलेक्शन. अगर आपने शुरुआत में ही सही तरीके से सिलेक्शन नहीं किया है तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू कोप अप इन दैट सिचुएशन एंड अल्टीमेटली दे विल नॉट प्रोसीड प्रॉपरली एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनका लो परफॉर्मेंस होगा एंड दे विल नॉट बी एनरोल्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली. सो ऑब्वियसली दिस विल बी द कॉज ऑफ टर्न ओवर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्न ओवर. अगर कुछ कॉजेज है जिससे हम एम्प्लॉयज़ के टर्न ओवर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली देर आर स्ट्रैटेजीज टू गिव देम प्रॉपर एडवांटेजेस टू रिटेन देम इन माई ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्टली इन्वेस्ट इन योर एम्प्लॉयज़, दैट मीन्स इंसेंटिव्स. ओके, देन बोनस, गिविंग देम प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. These are investing in your employees, taking care of them, proper sanitation, restroom, then you can say some free time amusement like arrangement of some indoor games. These are important. You can think about your employees and then you can plan accordingly. Then reward and compensate your employees.
मार्क देम दैट व्हाट इज देयर कैपेसिटी, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, वो टारगेट को कैसे रीच कर पा रहे हैं, टारगेट पूरा कर पा रहे हैं या नहीं. अगर टारगेट कंप्लीट करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट देम. इट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइक कुछ कंपनी ऐसे होती है जो अगर कुछ छोटा टारगेट उनको प्रोवाइड दिया गया एंड वो कंप्लीट करती है तो उनको एक मूवी टिकट मिल जाएगा, वो अपने स्पाउस के साथ मूवी टिकट के साथ वीकेंड में एंजॉय कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. देन डिनर कूपन्स और यू कैन से हॉलीडे पैकेज. अगर टारगेट बड़ा है जिसने उन्हें अचीव किया तो यू कैन हैव अ हॉलीडे पैकेज. सो इस तरीके से आप टेम्प्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. एंड अगर ये सब टेम्पटेशंस उनको मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो अपना टारगेट को अचीव करने के लिए अपना जान लगा सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगेन आई कैन से यू कि अगर 5 लोगों का टीम है, सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, बाकी 4 को नेक्स्ट मंथ के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ललक होगा उस पोजीशन को लेने के लिए. सो इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करेंगे कि इफ़ ही कैन डू व्हाई आई कैन नॉट डू. सो इन दैट केस ही विल वर्क हार्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिवॉर्ड एंड कॉम्पनसेशन से किसी भी एम्प्लॉई का मोराल कितना हाई हो सकता है. देन कम्स परफेक्ट योर सिलेक्शन प्रोसेस. जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उनको हायर किया जाता है, यहाँ पे बिना बायसनेस से सही तरीके से आपको जो आपके जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है आप सही इंसान को हायर कीजिए, ना कि किसी रेफरेंस के हिसाब से आप किसी को हायर करेंगे. यहाँ पे आप उनका एलिजिबिलिटी देखिए, उनका कैपेबिलिटी देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए एंड देन यू हायर द पीपल डायरेक्टली. जस्ट डोंट गो टू द रेफरेंस ऑफ एनी ऑफ द वन बिग बिग पीपल दोज आर गिविंग बिकॉज रेफरेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो इन दैट केस यू हैव टू फोकस इन द माइंड दैट यू हैव टू सी द स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू, एप्टीट्यूड टेस्ट, वट एवर टेस्ट यू आर कंडक्टिंग, दिस ऑल थिंग्स आर इक्वल इन द वेटेज एंड देन यू आर डूइंग द प्रॉपर सेलेक्शन. प्रोवाइड कंसिडरेट एंड थारो फीडबैक. एवरी टास्क इज कंसिडर्ड आफ्टर द फीडबैक. सो अगर आप अपने इम्प्लॉयज़ को प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उनके हर एक परफॉर्मेंस के बाद, इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस. अगर उसने सही किया है आप उसके लिए उसको अप्रिशिएट करिए. एक छोटा सा अप्रिशिएशन कैन क्रिएट अ बिग चेंज. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड अप्रिशिएट योर एम्प्लॉयज़. अगर आपको उसका काम नहीं भी पसंद आया है तो उसको बोलने के लिए एक अलग तरीका होता है. लाइक रैंडमली यू जस्ट डोंट स्कोल दैट पर्टिकुलर पर्सन इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल. दैट कैन क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट. सो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड फोकस टूवर्ड्स योर एम्प्लॉई. एंड देन कम्स इंश्योर अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस. यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि आप उसको इतना ज़्यादा वर्कलोड प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो घर जाके अपने स्पाउस के साथ झगड़ा करे या बच्चों को टाइम ना दे. सो दैट इज़ नॉट गुड. और ये भी नहीं है कि घर का टेंशन वो अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री पे लेके आए और फिर अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो. तो वर्क लाइफ में बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक केयर. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट दिस स्ट्रैटेजी शुड बी केप्ट इन माइंड सो दैट द एम्प्लॉयज़ टर्न ओवर कैन बी रिड्यूस टू ग्रेट एक्सटेंट एंड यू कैन हैव अ प्रॉपर analysis that what is the absenteeism and retention rate of your organization. So in that case you can clearly depict out what is the scenario going on in your organization and you can reduce your turnover and make sure that your target and productivity is reached to that extent. So this was all about your turnover and manpower planning. I hope it is clear to you. Everybody. Thank you.